I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head. I'm sick of wishing. Hey guys, what is up? Everyone, welcome back to my channel. Welcome back to another epic vlog of Shroom's Lifestyle. जहाँ पे आज हम लोग लेंगे delivery of my bike and yes, आज मैं वेला हूँ. दो ऑटो का जर्नी करके आया, अभी भी एक और ऑटो लेना है हल्दे मोड़ ऑटोमोटिव पे जाने के लिए. हेलमेट मैं कैरी कर रहा हूँ क्योंकि मोटो लॉक तो ऑब्वियसली है. एंड आज का दिन में ना बहुत सारा प्लान है, लाइक मेरे एक दोस्त का बर्थडे है, उधर भी जाना है, फिर सॉल्ट लेक जाना है गाड़ी देखने, नॉट फॉर मी फॉर उड़न ऑन व्यूज क्योंकि दीपांजन का लोग नहीं है. तो मैं और अमित दा जाएंगे, थोड़ा गाड़ी वाड़ी देखेंगे. लेट्स गो टू हल्दे मोड़ एंड सी माई बाइक, क्योंकि 1 नवंबर को दिए थे, आज है 17 नवंबर एंड अभी तक मैंने कोई भी पिक्चर्स नहीं देखा बाइक का. आज तक मुझे आने का टाइम नहीं मिला इधर से, एक्चुअल मैं बता रहा हूँ. एंड आज टाइम निकल के मैंने आया क्योंकि भाई अभी तो लेना है, क्योंकि टॉक्सिक इज ईटिंग मोर गैस मैन. तो लेट्स गो, दिखाते आप लोगों को भी बाइक एंड मैं भी देखता हूँ, क्योंकि आई एम वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि सब तो चीज़ मैंने कुछ तो कस्टम किया है भाई जो मुझे नहीं दिखाना चाहते. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head. I'm sick of wishing I could just forgive and forget. I'm sick of all these. So, भाई हल्दर ऑटोमोटिव पे हैं एंड बाइक मेरे सामने है एंड आई एम जस्ट अमेज्ड कि मैंने क्या बोला था एंड क्या डॉक्टर सीता ने दिया है भाई. एंड वो मैं साइन देख के समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा तरीके से काम हुआ है. एंड बाइक नहीं दिखाएंगे, ये है वाइजर अभी लगने का है एंड इधर पे जो है प्लेट्स कटिंग चल रहा है, प्लेट्स का डिज़ाइन उधर पे हो रहा है एंड दिस इज़ द वाइजर, ब्लैक है तो दिखेगा अच्छा. एंड थोड़ा नीचे से हाँ बस इतना देखो, बाकी हम बाद में दिखाएंगे बी रोल्स पे कह उसके बाद देखेंगे. एंड जो इसका क्या बोलते हैं और भी मॉडिफिकेशन है उसके बाद इसका फाइनल लुक आएगा. अभी तो जस्ट पेंट हुआ है एंड उसके बाद ही खतरनाक लग रहा है एंड इट्स काइंड ऑफ वन पीस इन द कंट्री कह सकते हैं ना. टाउन में तो नहीं, कंट्री में एक पीस ही है भाई. तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस होगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, तो वो देख लेना, उसके बाद आएगा इसका फाइनल लुक. एंड अभी भी बहुत अच्छी तरीके से है, सो एंजॉय सम एपिक बी रोल ऑफ द बाइक फर्स्ट, देन बताएंगे कि क्या क्या डिटेल दिमाग में रखते हुए बाइक को बनाया गया है. 8 hours later we are back here at हल्दर ऑटोमोटिव. बाइक पूरा बन के रेडी हो चुका है. इतना देर में कहा था मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो काम आ गया था, जो दोनों काम नहीं हुआ, सो बेकार जाना हुआ, बेकार आना हुआ, बहुत खाट नहीं गया मेरा. एंड ठीक है भाई, चलता है, ऐसा दिन में होता है. तो आप लोगों को अभी मैं सिनेमैटिक्स या बाइक में कुछ भी नहीं दिखाने वाला, कल सुबह तक वेट करो, मतलब आप लोगों के लिए तो 5-10 सेकेंड होगा, वेट करो बी रोल्स देख लो. एंड अभी तो जितना सिर्फ मोटो व्लॉग का कैमरा वाले में ही देखोगे. तो इधर है बाइक एक ग्लिम्स, ओके. सो हियर वी हैव मिस्टर हल्दर ऑटोमोटिव्स. हेलो. एंड अभी बज रहे साढ़े नौ बजे, बाइक देखे गए थे, 9:30 बजे लेके जा रहे हैं. एनी वेज बहुत अच्छा काम किया है आपने एंड वेरी मच थैंक यू फॉर दैट. ये वीडियो लाइव जाने का बहुत सारा बाइक आने वाला है 100%, क्योंकि सबको पसंद आने वाला है ये बाइक. आपको काम करके कैसा लगा? हर बार कुछ एक यूनिक करने में डेफिनेटली अच्छा लगता है, बिकॉज आपको अपना क्रिएटिविटी या फिर उस जगह में अपना मतलब एक ब्लैंक कैनवस मिलता है बेसिकली. सो डेफिनेटली एक कस्टम कम्प्लीटली कस्टमाइज्ड वर्क के लिए आई एम हैप्पी. और आपका फ़ोन नंबर एक बार बता दो, लोकेशन बता दो एक बार. ये हमारा वर्कशॉप लोकेटेड है ठाकुर पुकुर बेहाला में, दैट इज़ जोका के तरफ. एंड इसके अलावा आप हमारे मतलब कॉन्टैक्ट तो हम पिन ही कर दोगे तो ऑब्वियसली. इसके अलावा फिर भी मैं बोल देता हूँ 8260598929, इसमें आप व्हाट्सएप पर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ज़रूर से. कुछ भी कस्टम कराना हो यू डेफिनेटली कैन कॉन्टैक्ट हिम. भाई मेरा बाइक क्या बना है, सो एक ग्लिम्स दिखा दिया. बाकी तो बी रोल्स आप लोग कल एंजॉय करोगे एंड कल भी थोड़ा मोटो व्लॉग करेंगे, क्योंकि कल भी मेरा कुछ काम है. तो एंजॉय इन द गोप्रो मोड इन 3, 2 एंड 1. चलो ब्रो लेट्स गो. कोलकाता में वन पीस बाइक चलाने का जो मज़ा है ना भाई, क्या ही बताए. रात को देखो गोप्रो में नहीं समझ में आएगा ऑब्वियसली, इधर पे जो ग्रेडियंट है ना भाई, कूट कूट के निकल रहा है. अरे डॉक्टर सीधा आपने क्या काम कर दिया यार. कल सुबह के लिए वेट करो, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखो प्लीज़. एंड कल सुबह अंडर द सन ये बाइक जो लगेगा ना ब्रो, आप बिलीव भी नहीं कर सकते. एंड मॉडिफिकेशन हो जाने के बाद
तो ये कत्ते ही जहर चीज़ हो जाएगा, कत्ते ही जहर। तो इतना टाइम टू फुल अप, क्योंकि भाई नया चीज़ लेने के बाद फुल टैंक कराना एक मैंडेटरी काइंड ऑफ थिंग। तो देखते भाई फूल मिलता है कि नहीं, मिले ऑब्वियसली नहीं जाएगा, करा लेते भाई फुल टैंक एंड मीटर को जीरो, फिर माइलेज भी पता लग जाएगा भाई। बहुत धीरे से खुलेंगे भाई, क्योंकि नया चीज़ है ना, नया चीज़ का केयर अलग ही रहता है। फुल टैंक ऑटो कट नतुन जिन से जत्न वाला था ना अवश्य। एटा कावासाकी विंड 125 बजाज और कावासाकी कोला पड़े। इंजिनटा देखो 10 लिटर 10 लिटर है, 11 लिटर टैंक है। बड़ा फटका लग गया, देख लो। हैप्पीनेस इज अ फुल टैंक गाइस, ओके। एंड फ्लोट भी ठीक से काम कर रहा है, वो तो अंदाजा आ गया। 1100 रुपए का फुल टैंक डूड, मतलब ये 11 लीटर का टैंकी है, ये मालूम पड़ गया आज। क्योंकि क्या 750 या 850 में फ्यूल था, गीजर पे चल रहा था, अभी मैंने नीचे किया। ये सब बाइक ना हमेशा लोग गीजर में ही चलाते हैं, तो फिर कचरा जा जाके ये टंकी बर्बाद होता है। अभी से क्या होगा, जब भी मेरा गीजर पे लगेगा मैं जाके तुरंत फ्यूल भरवा के इसको नॉब को ऊपर कर दूँगा। इसी से जो टंकी का लाइफ है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। काटा तो है, देखते रिजर्व कितने पे होता है ये बाइक। किलोमीटर जो है हम लोग जीरो कर लेते हैं, कर दिए जीरो। अभी चलाएंगे इसको फुल ऑन, बहुत चलेगा मुझे यकीन है, एटलीस्ट 40-45 का एवरेज तो देगा ही देगा ये। जब ये एक दाग पे आएगा तब मैं भरवाऊंगा फुल। I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head. I'm sick of wishing I could just forgive and forget. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my mind, my mind, my mind. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head. I'm sick of wishing I could just forgive and forget. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my mind, my mind, my mind. Everybody's got some highs and some lows, but all that matters is how you deal with it all. I hope you realize this all with time. Just take control of the thoughts inside your head, and understand that what you think is what you get. I'll dream big, just watch me get what's mine. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head. I'm sick of wishing I could just forgive and forget. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my mind, my mind, my mind. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head. So I hope you guys enjoyed the cinematics. So मम्मा का थोड़ा रिएक्शन देख लो कल रात को जब लेके आए थे, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई मैं क्या क्या एक्चुअल में हुआ है। Hi bro, welcome back. Just see, give your reaction, please, honest reaction. मने? ये जी देखो, see the flakes. Flakes, color मुझे जेंची चिपे. গোল্ড ফ্লেক্স, এটা অরিজিনাল। এটা 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 স্টিকার না, এটা পেইন্টেড, হ্যান্ড পেইন্টেড। আর এটা জাপানি, এটা জাপানি ভাষায় কাওয়াসাকি লেখা। হ্যাঁ জানি, নেট থেকে মানিয়েছি আমি। এই ছবিটা দিয়েছি ছোটবেলা। উফ, স্ট্যাটাস দেখে জাস্ট সি দা ফ্লেক্স, মতলব আপ লোগ সোচো ইয়ার সানলাইট মে ইয়ে চিজ কিয়া করেগা। অবিয়াসলি আপ লোগোনে তো বিরল দেখ লিয়া হোগা কাল কা। তো জিন লোগো কো নেই পাতা মে বাতা দু, দিস ইজ মাই ড্যাডস 2004 বাজাজ কাওয়াসাকি উইন্ড 125, जो 125 सीसी में आता था कावासाकी के इंजन के साथ एंड बजाज के बॉडी लैंग्वेज के साथ विद द कोलैबोरेशन ऑफ देम। ठीक है, बाद में कावासाकी ने भी अपना विंड 125 लॉन्च किया था, बट दिस इज़ द बजाज विंड 125 एंड विद द कावासाकी केटेक इंजन। ठीक है, बजाज कैसे मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो इधर पे बजाज का भी लोगो है। एंड दिस इज़ द बाइक, अभी भी बाइक में बहुत सारे चेंजेस होने को बाकी है एस्थेटिकली, एंड देन इट विल लुक अ हेल लॉट मीनर। बट उसके पहले क्या क्या काम हल्दर ऑटोमोटिव से हुआ है मैं एक बार बता दूं। स्पोक व्हील्स थे, ब्लैक किया गया है, पूरा ब्लैक एंड आउट। शॉकर्स गॉट ब्लैक एंड आउट, मडगार्ड गॉट दिस
अमेजिंग ग्रेडियंट फिनिश विथ गोल्डन एंड ब्लैक। ग्रेडियंट का एक बार फिनिश देखो, ये तो अभी भी पेंट कटने का बाकी है, मतलब ऑरेंज पील तो है, तो वो तो कोविदा करेंगे हम लोगों का, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तब तो भाई पूरा अलग ही शाइन हमारेगा, बट चेक द ग्रेडियंट्स आउट सनलाइट में क्या लगता है, एंड रात को भी ये गोल्डन पार्ट्स जो है वो चमकता है, एंड सी द गोल्डन फ्लेक्स ऑन द ब्लैक पोर्शन। दिस इज अ न्यू विजर, न्यू हेडलाइट, कस्टम डिजाइन डायमंड वाइट पर्ल वाइट पे अपना नंबर प्लेट है स्टिकर में, तो इधर में जापान में लिखा हुआ है क्योंकि कावासाकी इज अ जापानीज कंपनी, एंड ये है गाड़ी का नंबर, एंड दिस इज द प्रेस लोगो क्योंकि आई हैव अ प्रेस कार्ड, एंड जस्ट चेक दिस आउट, इंडिकेटर्स अभी खुले हुए, नए इंडिकेटर्स लगेंगे इसीलिए, एंड दिस जस्ट चेक दिस आउट, दिस इज द टैंक आई बॉट फ्रॉम मलिक बाजार, क्योंकि हम लोग का गाड़ी का जो टैंक है मेनली वही खराब था, एंड दिस इज इन जापानीज रिटन कावासाकी, एंड नॉर्मल कावासाकी इज रिटन राइट दिस, एंड दिस इज नॉट अ स्टिकर माइंड यू, दिस इज नॉट अ स्टिकर, दिस इज अ पेंटिंग, यस दिस इज प्रॉपरली हैंड पेंटेड। तो छोटा छोटा डिटेल्स है गाड़ी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड टैंक्स में भी फ्लेक्स देख सकते हो आप लोग, प्रॉपरली गोल्ड पर्ल फ्लेक्स दिया हुआ है, सीट कवर चेंज हो जाएगा तो फटा हुआ सीट कवर है, डोंट माइंड दैट। ये पार्ट पूरा जो है अपना रिपेंट हुआ है, एंड आई गेस ये पार्ट या उस साइड वाला पैनल जो है प्लास्टिक वेल्डिंग भी हुआ है, ये ऑलमोस्ट गोल्डन में है, इधर पे ब्लैक ग्रेडियंट्स है, इधर में ब्लैक में पर्ल्स है, जाते 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 इधर में जाके गोल्डन हो गया है, एंड दिस इज ऑल्सो ब्लैक एंड दिस इज गोल्डन, एंड जस्ट चेक द ग्रेडियंट्स आउट, प्रॉपरली डन मैन, प्रॉपरली कलर सिंक्रोनाइजेशन देखो आप लोग, एंड ये वाला पार्ट आई गेस प्लास्टिक वेल्डिंग हुआ है क्योंकि इधर से पूरा टूटा हुआ था, एंड वी वेर नॉट गेटिंग दिस पार्ट एनीवेयर। पीछे का व्हील भी आप लोगों का ब्लैक हुआ है, दिस फ्रेम गॉट ब्लैक, द होल इंजन गॉट ब्लैक, मैंने किक को छोड़ने को बोल दिया था, एंड कावासाकी का ये ओरिजिनलिटी मैंने मेंटेन किया है, तो ये स्टिकर मुझे कहीं पे नहीं मिलेगा, तो आई सेड हिम मास्क ऑफ करो एंड पेंट करो इंजन। एग्जॉस्ट नहीं किए क्योंकि टिकेगा नहीं रंग भाई एग्जॉस्ट में, एंड लेग गार्ड भी नहीं किए उसी वजह से, तो बहुत कुछ चेंजेस आने वाला है बाइक में, स्टे ट्यून फॉर द मॉडिफिकेशन वीडियो, ठीक है, एंड जस्ट देख लो भाई, आई एम सो अमेज्ड। पीछे की तरफ बात करें तो इंडिकेटर्स तो चेंज करूँगा, अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने लगा के रखा है, एंड जस्ट चेक दिस आउट, अगेन डायमंड पर्ल में रैप किया हुआ, फिर जापानी स्टोन में पूरा 2826 नंबर 20L, इट्स लुकिंग ग्रेट, ह्यूज शाउट आउट टू हिम, ज़रूर से आप लोगों को अगर कुछ भी कस्टम कराना है गो टू हिम, ठीक है, एंड जस्ट चेक दिस आउट मैन, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, मेरा खुद का नज़र खुद को लग जाएगा, ठीक है, एंड फुल टैंक मैंने करवा दिया, इट्स टैंक फुल, एंड दिस लुक सो हैप्पी मैन, कि बाइक में भी ऐसे कम्यूटर मोटरसाइकिल्स में भी फुल टैंक किया जा सकता है, जस्ट सी, तेल पूरा ऊपर तक है भाई, ठीक है, तो अभी एंड इधर पे भी पूरा मास्किंग करके सोम स्लाइस से लिखा हुआ है, लेट्स गो फॉर अ मोटो व्लॉग इन द डे टाइम। बता रहा था कि एक दोस्त का बर्थडे है तो मिलने जाना है, कल तो हुआ नहीं, एकदम भी टाइम नहीं मिला, आप लोगों को बोल दिया मैंने ऑलरेडी, तो आज सोचा कि दिन का टाइम में मोटो व्लॉग भी करते हैं और थोड़ा मिलकर भी आते हैं भाई, क्योंकि ओके तो मोटो व्लॉग तो कर रहे हैं फुल टैंक भाई, ये देख के मुझे बढ़िया खुशी हो रहा है, जस्ट फ्लेक देखो सबको धूप के नीचे, जस्ट फ्लेक बहुत बढ़िया लग रहा है भाई साहब, मिलना हो चुका है कंप्लीट, एंड अभी तो बहुत रश में जाना है मुझे मुदियाली, फिर जाना है कॉलेज, कल तो भगाएंगे भाई, एंड बाइक कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड अभी तो मुदियाली जाना है, फिर कॉलेज जाना है, फिर कॉलेज से मुदियाली फिर से आना है, एंड देन जाना है नेताजी भवन देवालगो के पास, देन जाना है ऑटो जूम, बहुत सारा काम है भाई, मेरा दिन ऐसा ही लोडेड रहता है, तो दोस्त लोगों से ना मिलना नहीं होता है प्रॉपरली, तो वेरी सॉरी टू ऑल माई फ्रेंड्स फॉर दैट, जब ठीक है अभी तो स्ट्रगल करने का टाइम है, जब टाइम हो जाएगा फिर से सबसे मिल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंड माई फ्रेंड आर वेरी मच अंडरस्टैंडिंग, तो बाइक को चलाते हैं एंड जाते हैं। आई होप यू गाइज लाइक द बाइक, मुझे बाइक कैसा लगा जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना भाई, एंड 7500 सब्सक्राइबर्स करो, मेरे पास अलाउ आ चुका है, एंड बहुत जल्द आप लोग अगर जब तक कराओगे तब तक आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, 7500 सब्सक्राइबर्स कराओ, अलाउ मेरे पास आ चुका है, मैं पेंट पे दे रहा हूँ कल, तो दो दिन में मेरा पेंट भी हो जाएगा, एंड देन वी विल फिट टायर्स ऑन इट, एंड देन वी विल इंस्टॉल इट ऑन द कार, 7500 जल्द से जल्द कराओ, एंड एनी विच वेज इफ यू गाइज एंजॉय द वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल,
turn the notification bells on, follow me on Instagram @email.username404. As always, I'm at the end of today's video. I look forward to seeing you next video real soon. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head. I'm sick of wishing I could just